हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए व्लॉग में आप लोगों का। आज सुबह ही सुबह हमारे साथ एक सीन हुआ। सीन ये हुआ कि हमारा गोवा जाने का कोई प्लान था नहीं, टिकट कराना पड़े तत्काल में। सुबह ही सुबह 10 बजे तत्काल से टिकट कराए हैं और उसके बाद जो बस समझो अब आप हैक्टिक जा रहा पूरा दिन। अभी तक सभी शाम के 3:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो गॉगल बनवाया है नया अभी वीनस ऑप्टिक्स से, विनीत भाई से, और कुछ अलग शायद दिख रहा होगा आपको शेड, ये फ़ोटो कुछ करके बोल रहे थे, मुझे आइडिया नहीं है क्या है। अब थोड़े बहुत कपड़ों की शॉपिंग करना है, मेरा साइज़ प्लस आता है तो प्लस साइज़ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, रामपुर में नहीं मिल पाता है। तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था कहीं पे, जाता हूँ वहाँ और देखता हूँ कि मेरा साइज़ है अवेलेबल या नहीं है। उसके बाद फिर हमें और भी चीज़ें करना है, फिर पैकिंग भी करना है, फिर जाना भी है। बड़ा दिमाग पर यार एकदम से लोड हो गया। चलो जैसे जैसे जो जो होता है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम। ये एरिया है काजी की गली। आज बहुत रश है, आज नहीं मतलब कुछ टाइम से रश है, यहाँ पे शादियों का सीज़न चल रहा है इसलिए औरतें शॉपिंग पे निकली हुई हैं। ठीक है, हम लोग भी शॉपिंग के लिए ही आए थे, खड़ा हूँ साइड में। एक बार फिर से शदाब मार्केट आ गए भाई, उस दिन आए थे तो कुछ मिल नहीं पाया था, अभी फिर से दोबारा से आए हैं, भीड़ आज भी बरकरार है। A little longer than a few minutes later. हाँ जी, सारी शॉपिंग हो गई है भाई साहब, जो भी लेना था वो ले लिया है, शूज़ वगैरह लेडीज शूज़ भी ले लिया है। अभी यहाँ पे रामपुर की जो फेमस बैजनाथ के समोसे हैं वो ले रहे हैं, घर के लिए पैक करा रहे हैं। ठीक है, ये आ गए हैं, आ गए हैं समोसे। ये है जी बैजनाथ के बेहतरीन समोसे, बहुत पुरानी, कितनी पुरानी दुकान है भाई ये, कितनी 150 साल। क्या बात है भाई, पक्का दावा, क्या बात है भाई साहब। लेकिन आप देख सकते हैं भाई साहब समोसे वमोसे, समोसे भाई एक नंबर होते हैं इनके, और जो टिक्की बताशे बेचते हैं ना ये वो भी एक नंबर होता है, कभी आपको पूरा रिव्यू देंगे। चलो जी, जाम सा लगने लगा है, आगे चलते हैं। अब आगे जो और चीज़ें लेना है, एक दो चीज़ें वो लेके और फिर घर पहुँचते हैं यार। One eternity later. बहुत सारी चीज़ें करना थी, उनमें से बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत सी नहीं हुई। कपड़े वगैरह लेना थे, जिन भाई साहब से लेना थे उनकी शॉप बंद थी, आज बाहर थे तो कपड़े नहीं ले पाए, और बाकी जो चीज़ें होना थी वो हमने निपटा ली हैं। चलिए फिलहाल लोग बैठ गए हैं ट्रैवलर में, अब हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली तक का सफ़र आपको हम दिखाएंगे और फिर दिल्ली पहुँच के अपने ब्लॉग को एंड करेंगे। चलिए मिलता हूँ फिर आपसे सफ़र में। आते हुए तो भाई तगड़ा सीन हो गया हमारे साथ। सीन ये हुआ कि जिस ट्रैवलर से हम आ रहे थे उनके जो ड्राइवर थे ट्रैवलर के, उन्होंने हमें डरा दिया। वो कहने लगे जी हम 5 बजे से पहले आपको छोड़ेंगे नहीं निज़ामुद्दीन, और हम वहाँ से चले थे 11:50 के आसपास या 12:15। तो भाई 5 बजे का सुन के तो भाई साहब तो तोड़ गए, क्योंकि 5 बजे तो ट्रेन चलना थी यहाँ से। अब हम सोचने लगे क्या करें, फिर हमने उनको बोला कि नहीं भाई थोड़ा जल्दी करो, फिर जिनसे हमने बुक किया था उनको बोला कि थोड़ा जल्दी करो, वो जल्दी के चक्कर में इतना जल्दी हो गया कि 2.5 घंटे में उन्होंने रामपुर से दिल्ली लगा दी। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ 190-200 किलोमीटर लगभग 2.5 घंटे में, 80-90 की स्पीड से चल रही थी गाड़ी, धुआंधार बिल्कुल। तो भाई फ़िलहाल ये हुआ सीन हमारे साथ, और अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं यहाँ पे निज़ामुद्दीन स्टेशन पर हैं। ट्रेन में चढ़ गए हैं, हालत बुरी हो गई भाई साहब सामान चढ़ाने में, कैसे कैसे सामान चढ़ाया ना, बस हालत बुरी हो गई सामान चढ़ाने में। खैर फिलहाल ट्रेन में है, जगह मिल गई है, सीट पर बैठ गए हैं सुकून से। चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, अब नया ब्लॉग शुरू करूँगा, आप फॉलो करना उसको। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।